हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ टेक्निकल क्लासेस में। और आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फ्लाई व्हील के न्यूमेरिकल की। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का न्यूमेरिकल, और जितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे मैं उसको भी लेके आऊंगा आपके सामने। तो पहले फर्स्ट वन इसको देख लेते हैं। द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ पेट्रोल इंजन इज ड्रॉन टू द फॉलोइंग स्केल। लाइक टर्निंग मूवमेंट डायग्राम बनाया गया कुछ स्केल मान के। वो क्या स्केल है देख लेते हैं। कि टर्निंग मूवमेंट 1 mm इज इक्वल 5 न्यूटन मीटर। मतलब जो आपका टर्निंग मोमेंट दिया वो कितना दिया, 1 mm इज इक्वल 5 न्यूटन मीटर। क्रैंक एंगल इज इक्वल कितना दिया आपका, 1 mm इज इक्वल 1 डिग्री। द टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज रिपीट्स इटसेल्फ एवरी हाफ रेवोल्यूशन। मतलब जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो अपने आप को कब कब रिपीट करता है आपका, आधी साइकिल के बाद। मतलब कि अगर पूरी साइकिल 360 में होती है तो 180 के बाद वो क्या कर देता है, उसको रिपीट कर देता है। आगे हाफ रेवोल्यूशन ऑफ द इटसेल्फ द हाफ रेवोल्यूशन ऑफ द इंजन। And the area above and below the mean turning moment line is taking an order is 295, 685, 43, 49, 60, 270 mm square. जो आपको दिख रहा है 295, 660, 40, 340 वो दिया है आपको। The rotating parts of the equipments to be a mass of 36 kg at a radius of gyration of 150 mm. कितनी दी आपको, 150 mm दिया है। डिटरमाइन द कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड व्हेन इंजन रन्स एट 1800 rpm। तो यहाँ पे आपके पास गिवन डेटा दिया था, मैं साइड में लिख लेता हूँ उसको। स्केल दिया है, स्केल तो मेरे को यही लिखना पड़ेगा, तो मैंने स्केल यहाँ पे लिख लिया। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल सॉरी 1 mm इज इक्वल 5 न्यूटन मीटर। और ये तो आपका हो गया बाई एक्सेस पे। एक्स एक्सेस पे कितना दिया है आपको, 1 mm इज इक्वल 1 डिग्री। तो मुझे यहाँ से पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना हुआ। तो मैंने यहाँ पे एरिया बताया आपको, 1 mm 1 mm को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 mm स्क्वायर आएगा। ऊपर कितना होगा आपका, 5 न्यूटन मीटर इंटू मल्टीप्लाई 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना होगा पाई बाई 80। तो कितना आएगा, 180 डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं अभी। तो कितना है आपके पास, पाई बाई 36 न्यूटन मीटर। ये मेरे 1 mm स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई। इसके बाद पहले मुझे इसमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और मिनिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो पहले वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, देखिए मैं ऐसे रखूंगा जैसे दोनों दिखाई दे आपको, डायग्राम में दिखाई दे और ये भी चीज दिखाई दे। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा एनर्जी एनर्जी एट पॉइंट ए। एनर्जी एट पॉइंट ए जो मैं मानूंगा वो मैं मानूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है वो मैं मानी मैंने ई। कितनी मानी मैंने यहाँ से यहाँ तक, दैट्स ई। तो कितनी है यहाँ पे ई। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी होगी। तो एनर्जी एट पॉइंट बी अगर मैं जाऊँगा एनर्जी एट पॉइंट बी, तो देखिए ई तो है ही है, उसमें 295 आपका क्या हुआ, एड हुआ। ये मैं सोच रहा कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो जीरो हो गया, ये नहीं है आपको ये एनर्जी इसके अंदर ऐड करनी है, बस सब्ट्रैक्ट करनी है। फिर मैं उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करूंगा, एट पॉइंट सी कितना होगा आपका, ई प्लस के 295 माइनस के 685। तो ये देख लेते हैं कितना आएगा आपके पास, 685 माइनस के 295 तो कितना आएगा, 390। तो ई और नेगेटिव पे आएगा आपका 390। इसके बाद एट पॉइंट डी, डी पे आ गए। अब देखिए डी आपका पॉजिटिव है उसके अंदर, तो ई माइनस के 390 प्लस के 40, तो प्लस के सॉरी क्योंकि ये तो देखो नेगेटिव है और नेगेटिव के अंदर आपका प्लस जाएगा तो 50 आएगा, वो कैसे आएगा आपका 350। इसके बाद एनर्जी एट पॉइंट ई, अभी सब्ट्रैक्ट हुआ आपका ई माइनस के 350 माइनस के 340 तो कितना आया, ई माइनस के 690। एनर्जी एट पॉइंट एफ, अब देखिए प्लस का है तो ई 690 प्लस के 960, तो देख लेते हैं 960 माइनस के 690 कितना है प्लस 270, तो ई प्लस के 270। इसके बाद एनर्जी एट पॉइंट जी कितना है आपका, ई प्लस के 270 माइनस के 270 तो कितना है आपके पास ई। अब ये जो मेरे पास फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकल के आया है, मुझे इसके अंदर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आपकी मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू आपकी मिनिमम है, ये मुझे चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कौन सी वैल्यू इसके अंदर मैक्सिमम है, तो देखिए ई के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है आपकी, वो आ रही है आपके बी पॉइंट पर, तो दिस इज अ मैक्सिमम। तो ये आपका क्या होगा,
ई मैक्सिमम, और सबसे ज्यादा मिनिमम कौन सा है आपका, ई वन वाला पार्ट जो कि आपका मिनिमम पार्ट है, दो क्या हो जाएगा आपका ई मिनिमम। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मैक्सिमम, अब इसका कोई जरूरत नहीं पीछे वाले की, तो इसको यहाँ लिख लीजिए एक बार, भी देख लेता हूँ एंगल अलाइनमेंट कितना है आपका, कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होगा आपके पास, ई मैक्सिमम ई मिनिमम। ई मैक्सिमम कितना है मेरा, ई प्लस के 295 माइनस के ई माइनस के 690। तो ई प्लस के 295 माइनस ई प्लस के 690, तो देखिए ई टू ई तो कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हुआ आपका 295 प्लस के 690, कितना है आपके पास 985 mm², क्या निकल गया मेरे पास 985 mm². अब मुझे इसको न्यूटन मीटर में चेंज करना है, तो मैंने आपको स्केल बताया था कि हियर 1 mm² इज इक्वल पाई बाई 36, कितना था पाई बाई 36, तो ये क्या था मेरा न्यूटन मीटर, तो लिख लिया मैंने 985 × π/36, तो × π/36 तो कितना है मेरे पास 85.95 न्यूटन मीटर, कितना है 85.95 न्यूटन मीटर, तो कितना होगा अप्रोक्स 86 जूल। यहां से मेरे पास क्या निकल गया है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अब मेरे को उन्होंने क्या क्या चीज पूछी थी वो देख लेते हैं, उन्होंने कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड पूछा था, तो वो निकाल लेते हैं। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको जैसे पता होगा, मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में, और मैंने आपके ड्राइव भी किया है कि डेल ई इज इक्वल mk² ω² cs, तो ये आई होता है आपका, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 86, एम की वैल्यू कितनी है मेरे पास 36। दिखा देता हूँ आपको एक बार कि एम की वैल्यू क्या लिखी थी, देखिए रेडियस इसने बोला था कि फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है, एम की वैल्यू कितनी है मेरे पास 36, और रेडियस ऑफ जायरेशन कितना मेरे पास 150 mm, और आरपीएम मतलब इसकी एन की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1800, तो ये मेरे को लगानी है यहाँ पे, तो लगा लेते हैं यहाँ पे फटाफट से 36, रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू कितनी मेरे पास 150 mm, तो इसको मीटर में चेंज कर लिया 0.15 का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2π n, n की वैल्यू कितनी है आपके पास 1800, तो 1800 ओवर 60 का स्क्वायर × cs, तो ये मुझे आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, 1800 की वैल्यू मैंने पुट अप कर दी इसके अंदर, और मुझे जो ओमेगा की वैल्यू चाहिए वो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो वैल्यू देख लेते हैं कितनी आएगी मेरे पास, देख लीजिए पहले ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी है, ये 2 × π × 1800 / 60, और इसका भी क्या करना है मेरे को स्क्वायर करना है, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करिए × 36 × 0.15 का स्क्वायर, इसके बाद इसका 86 में आपको क्या करना है डिवाइड देना है, तो कितना है मेरे पास cs इज इक्वल 2.98 × 10⁻³। तो आपको पता है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि cs इज इक्वल 0.298 × 10⁻², तो सी एस इज इक्वल अप्रोक्सीमेट 0.3 × 10⁻², इसको परसेंटेज में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई 100, तो 0.3%। तो गाइस दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और उन्होंने यही पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि आपको क्या पता बताना है क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, आपको क्या बताना था कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अभी आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोज जो देखनी है वो भी आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लाईव्हील और आपकी जो है एनर्जी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और इससे पहली वाली प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा।